गौतम रॉय, कृषि विज्ञान केंद्र, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर। आज हम एपीएमसी एक्ट यानी कृषि उपज विपणन समिति अधिनियम, इस अधिनियम के बारे में आज अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। ये परिचयात्मक जानकारी होगा और मुख्य इसके श्रोता है कृषि में जो डिप्लोमा कर रहे हैं वो कृषि जो कर रहे हैं फार्मर्स कृषक वो, और स्टूडेंट्स जो कृषि में अध्ययन कर रहे हैं। अपन चलते हैं उस समय की ओर जब ये अधिनियम लागू नहीं था, यानी हम चलते हैं सबसे पहले आज़ादी के पूर्व भारत में कृषि का विपणन किस तरह से हुआ करता था। तो देखें ये तस्वीर में कृषि का जो विपणन है ये अंग्रेज समर्थित साहूकार और व्यापारियों के हाथ में था, जो किसान को शोषण करते थे। जो भाव है और जिस स्थल पे ये मंडी लगेगी, बाजार लगेगा, ये निर्णय व्यापारी करते थे। ये अस्थाई हुआ करता था, कभी कभी स्थाई हुआ करता था। कृषि जो बाजार है भारत आजाद होने से पहले, ये एक लोकल लेवल पे था, इसमें दूर के लोग हिस्सेदारी नहीं करते थे। और एक चीज और गौर करने वाली बात है कि ग्राम के अंदर की जो बाजार है ये परिपक्व था, ये स्ट्रॉन्ग था। और एक और चीज उस समय चलता था और वो है बार्टर सिस्टम, मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली। इसका अर्थ ये है कि कोई दाल देता था तो अनाज देता था, कोई कोई दूसरे आइटम कृषि का जो खरीददार है वो खरीदता था, लेकिन पैसे के बदले में वो दूसरे सामान से उसकी पूर्ति करता था, जैसे नमक हो गया, मसाले हो गया, तेल हो गया। आगे देखते हैं, उस वक्त आजादी के पहले के वक्त कमजोर परिवहन हुआ करता था, संचार तंत्र निर्बल था और हमारा जो घरेलू सकल घरेलू उत्पाद है ये पिछले बहुत सालों से अंग्रेजों के समय में घटते क्रम में चल रहा था। इस दौरान अगर कोई प्राकृतिक आपदा या दूसरे तरह की आपदाएं आती थी तो आपात बिक्री, जिसको डिस्ट्रेस सेलिंग कहते थे, वो होता था। और बाजार का जो अधोसंरचना था वो बड़े खराब थे, ज्यादा स्टोर करने के लिए कुछ नहीं हुआ करता था और सब ओपन में रहता था। अपन आप देखते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एपीएमसी एक्ट ये किस तरह से लागू हुआ। सबसे पहले ये गौर करने वाली बात है कि जो भारत का जो संविधान के अनुसार जो संघीय ढांचा है हमारा, इसमें कृषि को राज्य के अधीन का विषय माना गया है। तो इसके एक्ट और निर्णय राज्य अपने स्वयं लेते हैं, केंद्र इसमें केवल एडवाइजरी का रोल अदा करता है, दिशा निर्देश का रोल अदा करता है, लेकिन एक्ट और इस तरह के कानून नियम को लागू करना कृषि के संबंध में यह राज्यों के अधिकार क्षेत्र में। अधिकांश राज्यों ने 1960s और 70s 60 एवं 70 के दशकों में इसको लागू किया। इस अधिनियम के मूल उद्देश्य क्या थे? उद्देश्य यह था कि किसान का शोषण ना हो, किसानों को अपने उपज का उचित मूल्य मिले, यह उचित मूल्य उनको समय पर मिले, साहूकार के चुंगलों से हटके मिले। मूल्य नियंत्रण करने में भी यह एक्ट सहायक हो, किसान एवं खरीदारों के सुविधा हेतु मंडी प्रांगण का विकास हुआ, भंडारण हेतु गोदाम आदि का व्यवस्था, कृषि उपज की नीलामी की व्यवस्था और किसान बाजारों की व्यवस्था की गई, जो हाट बाजार कहते हैं, उनमें भी कुछ व्यवस्थाएं अच्छी की गई। तो ये कुछ उद्देश्य लेके ये एक्ट 60 एवं 70 के दशक में भारत के विभिन्न राज्यों ने लागू किया। इस एक्ट के कुछ मुख्य प्रावधान इस तरह से हैं। अधिनियम के अनुसार राज्यों को भूगोल के हिसाब से बांटा गया, जिसमें हर भूगोलिक क्षेत्र में मंडी, एक विशिष्ट मंडी निर्धारित की गई
प्रमुख कृषि उत्पाद जो जो उस मंडी में बिक्रय होगा इसका नोटिफिकेशन, इसका अनुमति दी जा रही एवं बाजार आवश्यकता अनुसार विभिन्न कृषि उपज मंडियों में विभक्त कर दिया गया एवं अधिसूचित किया गया। इसके बाद किसी अन्य व्यक्ति या एजेंसी द्वारा स्वतंत्र रूप से विपणन गतिविधि की अनुमति नहीं दी गई, अर्थात एक मंडी क्षेत्र में जो किसान है वो अपना उपज उसी मंडी में बेचेंगे और वहां के व्यापारी जो इस मंडी में पंजीकृत होंगे, लाइसेंस धारी होंगे, केवल वही उस बाजार से सामान किसानों से खरीद सकेंगे। दूसरे मंडी के व्यापारी इस मंडी में आके अपना माल नहीं खरीद सकते। मंडी के समस्त गतिविधियों को मंडी समितियों के द्वारा संचालित किया जाता है। मंडी समिति की निर्माण की गई। इस प्रत्येक मंडी समिति में 10 से 20 सदस्य राज्य शासन द्वारा नियुक्त की जाती है, या तो फिर नामांकित होते हैं या तो फिर निर्वाचित होते हैं। अधिकांश समय में नियुक्त या नामांकित होते हैं राज्य शासन द्वारा, और इनमें राज्य शासन का एम्प्लॉई, एक मंडी अधिकारी भी, विभिन्न स्तर के लेखा अधिकारी, इन लोगों की भी पदस्थापना इन मंडियों में की जाती है। ये प्रोविजन रखा गया। और क्या प्रोविजन थे? मंडी समिति बहुत से व्यापारी कमीशन एजेंटों को लाइसेंस जारी करता है और उस मंडी में व्यापार हेतु उन्हें अधिकृत करता है। अधिनियम अनुसार मंडी समिति को उस क्षेत्र की मंडी में व्यापार हेतु कृषि उपज जैसे कपास, धान, गेहूं आदि को अधिसूचित करता है। अर्थात जैसे आजादपुर मंडी, इसमें कुछ विशिष्ट सामान बिकेंगे। नासिक का मंडी में प्याज अधिसूचित किया जाता है, एक समय तक अधिसूचित किया जाता है, और इस तरह से इसके विभिन्न प्रावधान है। आगे चलते देखते हैं और क्या प्रावधान है। मंडी समितियों द्वारा जो कर प्राप्त होता है, जो शुल्क प्राप्त होता है, उससे मंडी की अधोसंरचना का विकास किया जाता है। आप देखेंगे ये रायपुर कृषि उपज मंडी का तस्वीर, ये सब्जी मंडी दुबल कर रहा है, इसमें जो अधोसंरचना है आपको दिख रहे हैं, ये मंडी समिति का प्राप्त कर और शुल्कों द्वारा जो पैसा आता है उन्हीं से विकसित किया जाने का प्रावधान इस एक्ट में है। नए मंडियों का विस्तार करना 1955 से लेकर जहां 286 शासन द्वारा नियंत्रित मंडी थे, वही वर्ष 2015 तक 6746 मंडी देश में कार्यरत, तो इनकी संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई और ये क्रमशः बढ़ रहा है। मंडी अधीन भौगोलिक क्षेत्र में वहां के किसान को अपने उपज उचित मूल्य प्राप्त करने हेतु खुली नीलामी पद्धति के माध्यम से सबसे अधिक बोली लगाने वाला मंडी व्यापारी को विक्रय करने की अनुमति देती। अब इस तस्वीर को आप देखिए, मंडी के अंदर मंडी के कमीशन एजेंट या मंडी के व्यापारी का जो लाइसेंस प्राप्त है वो कई है, ट्रेडर 1, ट्रेडर 2, ट्रेडर 3, बहुत सारे ट्रेडर एन। किसान जब उसको सामान बेचने के लिए आता है, कृषि उपज बेचने के लिए आता है, तब मंडी इन ट्रेडरों में जो सबसे अधिक बोली लगाता है उससे किसान तक विक्रय करता है अपना सामान। तो अर्थात यह है कि सबसे ऊंची बोली लगाने वाला किसान को भाव सबसे बेहतर मिले, क्वालिटी के हिसाब से ये जुड़ा हुआ रहता है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, इस तरह से सामान बिक्री का प्रावधान है। अब इसमें देखेंगे कि आगे क्या होता है। जो इन्होंने माल खरीद लिया, अन्य थोक या खुदरा व्यापारी, जैसे कि ये चाहे थोक व्यापारी हो या खुदरा व्यापारी, मंडी के लाइसेंस धारी व्यापारी या कमीशन एजेंट से पुनः खुली नीलामी पद्धति के माध्यम से सबसे कम बोली लगाने वाले व्यापारी से उपज क्रय करने की अनुमति देती है। तो अब की बार जब थोक व्यापारी या खुदरा व्यापारी इन ट्रेडरों से सामान अपने आवश्यकता अनुसार खरीदेंगे, तब जो सबसे कम बोली लगाएगा उस उपज का, उससे वो प्राप्त करेंगे, तो अवधारणा देती है, और फिर ये उसका आगे प्रोसेस करके मार्केट में बेचेंगे। ये लोग सीधे इनसे क्रय नहीं कर सकते। अन्य थोक या खुदरा व्यापारी, प्रसंस्करण कंपनी, मॉल आदि को मंडी के भीतर या बाहर
उनका उपज सीधे क्रय करने की अनुमति इस एक्ट में नहीं है, और ये इसलिए है ताकि किसान को वाजिब दाम मिले क्योंकि यहाँ कॉम्पिटिशन होगा, और इसको वाजिब दाम मिले यहाँ कॉम्पिटिशन होगा। तो यहाँ सबसे अधिक बोली लगने वाले को किसान बेचेगा और यहाँ सबसे कम बोली लगाने वाले को से खुदरा व्यापारी या थोक व्यापारी या प्रसंस्करण कंपनी मॉल के लोग या जो भी इससे खरीदना चाहते हैं ये इनसे इस तरह से खरीदेंगे, सीधे नहीं। अब हुआ क्या, बहुत साल ये एक्ट लागू हुआ, बहुत मंडियों का विकास हुआ, देखने को ये मिला कि मंडी व्यापारी द्वारा कार्टर बनाने जाने लगे और अनुचित नीलामी प्रक्रिया अपनाने लगे। इन लोग आपस में मिल गए और ये आपस में मिलकर जो उचित बोली लगनी थी वो नहीं लग पाई, इन लोग रेट को तय कर लिए और इनसे व्यापार से इनसे किसानों से सामान खरीद रहे हैं, और ये जब इनको बेच रहे हैं तब ये फिर से कार्टल बना लिए, आपस में मिल गए और एक ऐसा दाम इन लोगों ने सभी ने कोट दिया जिसको इसको भी महंगा पड़ा, तो इसको भी महंगा पड़ा, इसको भी महंगा पड़ा, और ये जब उस महंगा सामान को प्रोसेस करके बाकी काम करके बेचे तो इसमें उपभोक्ता है उसको कृषि का सामग्री थोड़ा महंगा मिलेगा। आसपास के मंडियों एवं उपमंडियों में उपज के मूल्य में काफी अंतर किसानों के को भ्रम और अशांति फैलाया है, अर्थात यह है कि एक मंडी में भाव यह है, थोड़ा दूर दूसरा मंडी में भाव दूसरा चल रहा है लेकिन ये किसान को नहीं मालूम, और अगर वो मंडी बहुत दूर है जिसमें भाव बेहतर मिल रहा है लेकिन वो यहाँ से सामान वहां तक ले जाने का समस्या है। इस मंडी का जो व्यवस्था था उसमें कुछ और समस्याएं आई वक्त के साथ, पारदर्शिता कम हो गई, कर्ज प्राप्त करने की व्यवस्था की कमी थी, मंडी कमीशन एजेंटों के ऊपर नियम उल्लंघन करने पर जुर्माना या लाइसेंस रद्द होने की घटनाएं अत्यंत कम पा रहे, क्योंकि ये पूरी चीज एक तरह से बहुत बेहतर से नहीं चला जिस तरह से सोचा गया। आप और देखेंगे जब ये सामान खरीदे हैं होलसेलर या थोक व्यापारी जिसको बोलते हैं हम, या खुदरा व्यापारी की, या कोई प्रोसेसिंग कंपनी या कोई स्टोरिंग कंपनी, मॉल होलसेलर से सामान लेकर उसको ग्रेड करना रहता है, उसको प्राइमरी प्रोसेसिंग करना रहता है, उसको वेयरहाउसिंग करना रहता है अर्थात गोदामों में स्टोर करना रहता है एक निश्चित समय के लिए, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, उसकी गुणवत्ता सुधार, वैल्यू एडिशन और सेकेंडरी प्रोसेसिंग जिसमें फूड तक पहुंचता है, फोर्टिफिकेशन अगर कोई चीज उसमें मिलाना है उसके वैल्यू बढ़ाने के लिए, उसके पौष्टिक आहार बढ़ाने पौष्टिक तत्व बढ़ाने के लिए, और पैकेजिंग, ये सारे काम करने से ये जो भाव से यहाँ से खरीद रहा है वो भाव नेचुरली बढ़ जाएगा, और फिर एक रिटेलर से दूसरे रिटेलर या एक होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर करके जब फाइनली ये बाजार में उपभोक्ता के पास पहुंचता है तो किसान का जो रेट स्टोर से मिला और इसने जो खरीदा जो उपभोक्ता जिसके लिए पूरी प्रणाली बनी है, इन दोनों घाटे में रहे, इनको कम दाम मिले, इनको आवश्यकता से ज्यादा भाव में माल खरीदना पड़ रहा है। इसके अलावा और भी कई तो इसमें समस्याएं दिखने लगे वक्त के साथ, कृषि बाजारों का भौगोलिक बिखराव हो गया, अपर्याप्त मंडी संख्या, अधोसंरचना विकास उस पैमाने पे नहीं हुई जिस पैमाने पे उम्मीद की गई थी, और बाजार शुल्क कमीशन अब देखिए 0.3% से 2% तक कमीशन, अनाज में 0.5% से 4-5% इतना ज्यादा कमीशन, 3-7% कमीशन फल एवं सब्जियों में, इसके अलावा विकास शुल्क, एंट्री शुल्क, धर्म काटा शुल्क, विक्रय शुल्क और कई तरह के सेस और अन्य शुल्क मंडी लगा रहे थे दोनों पक्षों पर, एक जो किसान जिनसे माल ले रहे हैं ट्रेडर्स और उन जो दूसरे होलसेलर्स को जो बेच रहे हैं, इससे और भी ज्यादा किसानों को नुकसान होने लगा, और भी नए नए समस्याएं पैदा हुई, देखने को मिला
कि नए लाइसेंस जारी करने तथा नए व्यापारियों को मंडी में व्यापार प्रारंभ करना आसान नहीं। मैं एक व्यापारी हूँ, मैं एक मंडी में जाकर लाइसेंस के लिए आवेदन करता हूँ। चूंकि वहाँ के पुराने व्यापारी कार्टल बनाए हुए हैं, वो लोग बहुत साल से जमे हुए हैं, वो नए वालों को ज्यादा घुसने का सहूलियत नहीं देते। बाजार की जानकारी में भी विषमता थी। एक चीज आईसीआर के 2015 का एक अध्ययन हुआ, उसमें यह पाया गया कि कटाई के उपरांत जो अपव्यय होता है, जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जिसको अपन कहते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट वेस्टेज जो कहते हैं, खासकर इन मंडियों में यह पाया गया कि वर्ष 2014 के औसत मूल्य के अनुक्रम में 92,651 करोड़ रुपए का नुकसान पूरे देश को। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ठीक नहीं चल रहा था। आपको याद होगा 1990 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार भारत सरकार ने लाए और बहुत सारे बाजारों को डीरेगुलेट किया, अनियंत्रित किया। यहां गौर करने वाली बात है 1990 के बाद सभी बाजार काफी हद तक सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण से बाहर होने लगे, बट लेकिन कृषि बाजार में यह बदलाव नहीं आया। आगे देखते हैं अपन मॉडल कृषि विपणन अधिनियम, जो मॉडल एपीएमसी एक्ट 2003 ये केंद्र सरकार ने प्रयास किया लेकिन अधिकांश राज्यों में लागू नहीं हुआ। बाद में 2017 में फिर से एक मॉडल एक्ट सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को भेजा गया और इसमें पशु मार्केट को भी जोड़ा गया। तो मॉडल एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर लाइफस्टॉक मार्केटिंग प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2017 ये एक्ट, 2017 वाले एक्ट और 2003 वाले एक्ट और इससे पूर्व कई वर्षों में कई राज्य सरकारों ने इन कमियों को महसूस करते हुए काफी बदलाव लाए, उस विषय में अपन चर्चा करेंगे। लेकिन 2003 के एक्ट में नए प्रावधान क्या करने की सिफारिश की है? पहला, किसान द्वारा अनुबंध कृषि प्रायोजकों से सीधे, मतलब किसान से सीधे खरीदने की अनुमति नए एक्ट में दी गई। जो होलसेलर है, मॉल है, दूसरे हैं, जो खरीदना चाहते हैं वो उनसे सीधे खरीद सकते हैं मंडियों को बाईपास करते हुए। लेकिन मंडी स्ट्रक्चर को खत्म नहीं करने की बात है, मंडी स्ट्रक्चर को यथावत रखेंगे लेकिन साइड में कंपटीशन बढ़ाने के लिए, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए यह व्यवस्था की गई। फल सब्जी दूध आदि हेतु विशेष मंडियों का गठन करने की अनुमति मिली, ये नए एक्ट में प्रावधान है। किसी भी क्षेत्र में कृषि बाजार स्थापित करने के लिए निजी व्यक्ति, किसान सहकारी समितियां और यहां तक कि उपभोक्ताओं का जो कोई फोरम अगर है, कोई कमेटी बना दे तो उसके लिए भी परमिट के प्रावधान इस नए एक्ट में है। बाजार के व्यापारियों का लाइसेंसिंग को हटा के पंजीयन रजिस्ट्रेशन का व्यवस्था दी गई, जो उन्हें एक या एक से अधिक मंडियों में काम करने की अनुमति देता है। अर्थात अब जो है एक व्यापारी दो तीन मंडियों में पंजीकृत होकर अपना काम कर सकता है। इससे जो मूल्य संवर्धन होगा, जो कंपटीशन मार्केट में आएगा, जिससे किसान को सीधे फायदा होगा और होलसेलर के माध्यम से जो उपभोक्ता तक माल पहुंचेगा, जो कृषि के सामग्री पहुंचेगा, खाद्य सामग्री पहुंचेगा, उसमें भी उनको अपेक्षित लाभ होने की संभावना है। लेकिन ये व्यवस्था मंडी सिस्टम को पूरी तरह से रिप्लेस करने की बात नहीं है, मंडी सिस्टम को रहते हुए साइड में कंपटीशन बढ़ाने की व्यवस्था है, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की व्यवस्था है। अपन हम देखते हैं 2003 के बाद से 2017 तक किस कौन से राज्यों ने किस तरह से काम किए, क्योंकि ये जो मंडी एक्ट में जो कमी, जो प्रॉब्लम थे, पीएमसी एक्ट में जो समस्याएं थे, ये बहुत सारे राज्यों ने इसको समझा और अनुसार बदलाव लाया। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ 10-2-2006 को इन्होंने मंडी एक्ट में सुधार लाया और जो सिफारिशें की गई थी उसमें से काफी सारे सिफारिश अलग अलग राज्यों ने अलग अलग तरह से अपनी आवश्यकता अनुसार मंडी एक्ट में संशोधन किए। तमिलनाडु ने
जो संशोधन करने की आवश्यकता नहीं समझू, उनका उनका कहना था कि वो पहले से वो प्रोविजन है उस एक्ट में। बिहार में 2006 में मंडी एक्ट को समाप्त कर दिया, पूरी तरह से मंडी एक्ट वहां समाप्त। इसी तरह से केरला मणिपुर अन्य राज्य इन्होंने लागू नहीं किया, और कुछ राज्य ऐसे थे जो मंडी एक्ट में जो प्रावधानों को काफी कम लागू किया, जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली का एनसीआर एरिया, यहाँ पर जो मंडियां काम कर रहे थे उनमें पार्शियल अमेंड किया गया, आंशिक रूप से उसमें संशोधन किया गया। इसके बाद अपन देखेंगे कि एक जो समस्या थी कि अलग अलग मंडियों में अलग अलग भाव चल रहा है, किसान को ये कहीं से प्राप्त नहीं हो पाते किसी एक जगह पर कि कौन सी मंडी में क्या भाव चल रहा है, जिससे वो उस मंडी की तरह रुख करेंगे। इस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए 2016 में केंद्र सरकार ने एक ऑल इंडिया पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल विकसित की और लागू करने का प्रयास किया, जो कृषि वस्तुओं के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए देश भर में मौजूद एपीएमसी मंडियों को इलेक्ट्रॉनिकली जोड़ता है, इंटरनेट से जोड़ता है और एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से। ये 2016 से जब प्रारंभ हुआ था, ये 5085 मंडी को चयनित करके ये काम शुरू हुआ पूरे देश में, और इस वक्त जो है ई नाम में 1000 मंडियों से ज्यादा मंडियां इसमें जुड़े हुए हैं। इसमें जो किसान अपना मंडी का जो भाव है वो ई नाम के माध्यम से देख सकता है, और उसी हिसाब से अपना अपना जो उपज है उस मंडी तक ले जा सकता है जहां पर रहता है। इसमें यही बात बायर के साथ लागू होता है, जो इन मंडियों से माल खरीदेंगे उनको भी मालूम चल जाएगा कि कौन से मंडी में क्या भाव है, वो उस हिसाब से बेहतर कर सकते। तो इसके लिए मंडियों को एक तरह से ये आपस में जोड़ दिया, लेकिन इसमें बहुत सारे मंडी काम नहीं जुड़े। और दूसरी बात ने देखा 6-7 हजार मंडियां हैं, केवल अभी तक 1000 मंडी जुड़ पाए। और साथ में ये भी देखा गया कि ईनाम के माध्यम से जो टोटल ट्रेड है वो वर्ष 2016 में जब लागू हुआ वर्ष 2019 तक, इसमें जो टोटल ट्रेड है ये वार्षिक अनुसार 2-3% 4% ही ईनाम के माध्यम से ट्रेड हुआ। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे। अब मान लीजिए यहां पर मंडी में भाव 3 रुपया चल रहा है होगा किलो, और बगल में करीब 200 किलोमीटर दूर एक मंडी और है जो ईनाम से जुड़ा हुआ है, वहां 4.20 रुपए चल रहा है। अब किसान को यहां से सामान वहां ले जाने में दिक्कत है, उसमें जो खर्चा है उससे वो 4.20 रुपए उसको ज्यादा फायदा नहीं है। ये फायदा उनको ज्यादा हुआ जो इस भाव को देख करके पहले से ही अपनी गाड़ी को उस दिशा में लगा देते हैं जहां पर से वो अपना सामान बेच सकते हैं, और किसान कई मंडियों में बेच सकता है। इसका भी प्रावधान नेशनल ई मार्केट ई नाम में किया गया। इसके बाद हम देखेंगे कि इस तरह के और सुधारात्मक कार्य पिछले कुछ वर्षों में क्या किए गए, उसमें से एक है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मॉडल। ये एक ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट मॉडल है जिसमें फार्मर, एग्री बिजनेस कंपनी और बैंक, इनके बीच में अनुबंध रहता है, और किसान सीधे एग्री बिजनेस कंपनी, चाहे वो प्रोसेसिंग कंपनी हो, चाहे वो पैकेजिंग कंपनी हो, चाहे वो किसी और तरह का कंपनी जो किसान से सामान खरीद करके, रॉ सामान खरीद करके, उसको प्रोसेस करके, उसको फोर्टिफाई करके, जो मैंने पहले बताया उस तरह से उसमें बदलाव ला करके उपभोक्ता तक पहुंचाने का काम। इस तरह की कंपनी फार्मर से जब खरीद लेते तो बैंक इसमें से पेमेंट्स के आधार पर किसान और उनको क्रेडिट फैसिलिटी देना है, और इस वजह से ये तीन एक साथ जुड़े। अब एग्री बिजनेस कंपनी जब फार्मर से सामान खरीद रहा है तो इनको एक एक फार्मर को जाके बात बताना और संभावना तलाशना ये थोड़ा कठिन है। इस दौर में एक और चीज सामने आया जिसको अपन FPO बोलते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी।
इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। इसके कुछ क्या संशोधन किए गए 1956 का जो कंपनीज एक्ट में संशोधन करके 2003 में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को भी उस एक्ट के दायरे में लाया गया, और वो लाने से अब फार्मर को सीधे एक एक फार्मर से बात ना करके एग्री बिजनेस कंपनी सीधे एफपीओ को कॉन्टैक्ट करता है, उसके साथ कभी 100 कभी 500 कभी 1000 कभी 5000 फार्मर भी एफपीओ में जुड़े रह सकते हैं, वो अपना माल एग्रीगेट करते हैं, एक साथ करते हैं और किसान जो है एग्री बिजनेस कंपनी को अपना सामान बेचता है और उसको उचित मूल्य, क्योंकि कॉम्पिटिशन है, और ये दायरा मंडी से बाहर रखा गया। अपन अगर देखते हैं कि बड़े 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 एग्जाम्पल्स क्या है, उदाहरण क्या है, तो देखेंगे पंजाब हरियाणा में टोमेटो और पोटैटो के लिए पेप्सियो के साथ बायर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कार्य चला और चल रहा है। कर्नाटक में हिमालय हेल्थ केयर अश्वगंधा के मामले में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया है। मध्य प्रदेश और पंजाब सोयाबीन ITC, मध्य प्रदेश गेहूं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और हिमाचल प्रदेश में एप्पल भी इसी तरह से एक अडानी एग्री फ्रेश लिमिटेड के द्वारा चलाया गया। इससे फायदा यह हुआ कि जब ये कंपनी उस किसान से अनुबंध करके, वो किसान समूह से अनुबंध करके, उस एरिया से अनुबंध करके जब काम करता है तो वो अच्छा इनपुट भी इनको प्राप्त देता है, अच्छा जो है ना देख रेख करने के लिए भी सलाह मशवरा इनको मिलता है, इन्होंने एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को एम्प्लॉय कर रखे हैं, मार्केटिंग इनका तगड़ा है, इससे इनका मुनाफा में जो है, और किसान स्वतंत्र है चाहे मंडी में बेचे चाहे इनको बेचे। अब ये अगर ज्यादा भाव देगा तो किसान इनको बेच करके ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। इसके बाद जो अपन देखते हैं 2008 में इसका जो है मॉडल एक्ट, ये भारत सरकार ने तैयार करके सभी राज्य सरकारों को दिया, मॉडल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइफ स्टॉक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड सर्विसेज प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। ये पहले वाला जो एक्ट मैं आपको पहले दिखाया इससे भिन्न है। ये एक्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइफ स्टॉक मार्केटिंग प्रमोशन फैसिलिटी 2017, जबकि ये जो एक्ट जिसमें आ रहे हैं अभी बात चल रही है, ये मॉडल एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर लाइफ स्टॉक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सर्विसेज प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट, मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट। ये जो एक्ट है ये एक इकोसिस्टम देता है जिससे एग्रीकल्चर के जो बिजनेस कंपनीज हैं और किसान के बीच में अनुबंध का एक ढांचा देता है। तमिलनाडु ने इसे लेजिस्लेशन कर लिया है, इसका अपने विधानसभा में पारित कर लिया है 2019 में। 19 स्टेट ने अपने जो एपीएमसी एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को जोड़ दिया है, अलग से इस एक्ट को लागू नहीं करते हुए बाकी 19 स्टेटों ने एपीएमसी एक्ट में इस तरह के बदलाव लाए जिससे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो सकेगा। आगे देखते हैं कि इस न्यू एक्ट जो एपीएमसी एक्ट जो अपने देखा 2017 का एक्ट, 2018 में जो संशोधन के सुझाव दिए गए केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकारों ने अपने आवश्यकता अनुसार अपने वातावरण अनुसार इसमें संशोधन कर किए, तो इन एक्ट में वर्तमान में जो देश का परिदृश्य है वो किस तरह का है। किसान अब इस एपीएमसी बाजार मंडी में सामान लाए बिना सीधे उत्पाद को बेच सकते हैं, इसका अधिकार दिया गया। किसी भी खरीदार को चाहे जिसे वो चाहता है वो बेचने का अधिकार। यदि किसान एपीएमसी बाजार में नहीं बेचता है तो बस उसने उसको व्यक्तिगत एक ही चीज करना रहेगा कि उस एपीएमसी चुनाव में उसको लड़ने का मौका या वोट देने का मौका नहीं मिलेगा, एपीएमसी विपणन समिति का हिस्सा नहीं है। अन्य किसान निर्यातक ग्रेडर प्रोसेसर पैकर्स अब सीधे किसानों से खरीद सकते हैं और एपीएमसी बाजार में जाने की उनको जरूरत नहीं है, तो ये बदलाव किया गया। समय बीता तो किसान का जो एग्री बिजनेस का जो सिस्टम है वो भी बदला, किसान अब आधुनिक तकनीक से खेती करना करने लगे हैं काफी साल से, और ये मोबाइल और लैपटॉप लेके अपनी जानकारियां प्राप्त करते हैं, तो इनका स्तर में पहले जैसे नहीं रहा आजादी से पूर्व जो हम लोग देख रहे थे। नए बिल में राज्य को एकाधिकार के नीचे लाया जाएगा जिसे निजी यार्डों का संचालन का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा, अर्थात निजी जो मार्केट यार्ड है निजी मंडी इसके भी प्रावधान कई राज्यों में किए गए, निजी यार्ड के लिए परमिट दिए गए।
कृषि उत्पादन के लिए अंतरराज्यीय व्यापार के जो बाधाएं हैं उनको भी दूर करने के कई व्यवस्थाएं दिए गए। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से किसान आने वाले अभी वर्तमान में डेवलप हो चुके हैं। एक जगह का किसान दूसरे जगह अपना सामान बेच रहा है। किसानों को अपनी उपज का व्यापार करने और बेचने के लिए डायरेक्ट खरीद केंद्र होंगे। ऐसे बाजार के प्रबंध और विकास सार्वजनिक निजी भागीदारी से अनुमति दी गई, जिसको अपन पीपीपी मोड कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसका भी अलाउ किया गया, इसको अनुमति दी गई। कोल्ड स्टोरेज के बेहतर होल्ड हैंडलिंग के लिए किसान की उपज के लिए पैक हाउस एवं कुरकुलिंग की सुविधाएं, इस तरह की सुविधाएं भी इस एक्ट में दी गई और शासन इसमें विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इसको तैयार करने में एक भूमिका अदा कर रही है। वर्तमान में आप देखते हैं किस तरह से पैक हाउस और वेयर हाउसेस काम करते हैं, कुछ तस्वीर मैंने रखे हैं यहाँ। एपीएमसी की जिम्मेदारियों को बढ़ाया गया। किसानों के लिए एकीकृत बाजार स्थापित करने के लिए ईनाम से जोड़े जाने का और विस्तार किए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। अधिनियम को सरल होने से किसान बिचौलियों के बिना सीधे बाजार में बेच सकेंगे। इसके आगे अपन एक बार देख लेते हैं कि शुरू से अब तक किस तरह से बदलाव एपीएमसी एक्ट में आना शुरू हुआ। सबसे पहले 2003 में एफपीओ कंपनीज एक्ट में शामिल संशोधन करके एफपीओस को अधिक मौका दिया गया। इसमें किसान एवं निजी क्षेत्र प्रमुख लाभार्थी हैं। एपीएमसी एक्ट 2017 में को सर्कुलेट किया गया। इससे पहले 2003 का जो एपीएमसी एक्ट में संशोधन हुआ, वहां से लेकर के काफी सारे राज्यों ने अपने एपीएमसी अधिनियम में बदलाव लाए। फार्मर और पब्लिक सेक्टर, ये दोनों इसमें बेनिफिशियरी हैं, किसान और पब्लिक सेक्टर एपीएमसी एक्ट के बदलाव से। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018, फार्मर और प्राइवेट सेक्टर इसमें मुख्य बेनिफिशियरी है, उनको फायदा ज्यादा है इससे। प्रपोज सीड बिल, ये 2020 का जो अभी बिल है, इसमें अभी ये कानून नहीं बना है, ये वर्तमान में केंद्र सरकार में लोकसभा में पारित होना बचा है। और ये लागू होता है तो जो इस पूरे प्रक्रिया में जो एक बीज की जो अहम भूमिका है वो और भी सशक्त होंगे। इससे फार्मर्स भी लाभान्वित होंगे, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के लोग भी लाभान्वित होंगे, सिस्टम सुधरेगा ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। सेंट्रल लॉ और इकोनॉमिक पैकेज, अभी रिसेंटली कोविड के बाद ये कुछ कानूनी प्रक्रियाएं बदले हैं और बहुत सारा इकोनॉमिक पैकेज इनको दिया है। इस पैकेज का उद्देश्य ये पूरे चीजों को लागू करने में सहायक होगा। एफपीओ भी स्ट्रेंथन होगा, जहां जहां संशोधन हुए हैं उस हिसाब से मंडियों की हालत सुधरने की उम्मीद है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बेहतर होगा। सीड बिल लागू होने से सीड का समस्या जो है काफी वो सुधरेगा और इस तरह से इसमें काफी सारा आर्थिक विकास होने की संभावना है। और इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम लोग एपीएमसी एक्ट आजादी से पहले से लेकर के अब तक में क्रमशः बदलाव होते रहे और किसान हितैषी निर्णय दिए गए और कहां कहां इन निर्णय के परिणाम अच्छे नहीं मिले और फिर उन परिणामों के आधार पर फिर आगे की रणनीति कैसे तैयार की गई। ये अगर पूरे नियम लागू होते हैं तो किसान को बहुत ही फायदा होने वाला है। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो विषमताएं हैं, जो परिस्थितियां खराब वर्षों से बनी हुई थी, वो आने वाले समय में धीरे धीरे सुधर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि